तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप सभी के सामने पहली बार यूट्यूब पर लाइव आया हूँ। दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं पहले से आप सभी के सामने लाइव आके कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी सूचना या अपडेट आप तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। लेकिन फाइनली जो भी प्रॉब्लम थी, मुझे लगा अब थोड़ी बहुत सॉल्व हो चुकी हैं, क्योंकि आपके अपने चैनल पे पूरे 1,00,000 सब्सक्राइबर यानी हमारी जो 1,00,000 लोगों की फैमिली हो चुकी है, उसके लिए आप सभी को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अब हो सकेगा जो भी परीक्षा या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी अपडेट आएंगी, परीक्षा से संबंधित या रिजल्ट से लेकर होगी या कोई भी आप सभी की परीक्षा से जुड़ी कोई भी खबर होगी, तो मैं कोशिश करूंगा आप सभी के सामने लाइव आने की। बहुत सारे रीजन है जिस वजह से मैं आप सभी के सामने लाइव नहीं आ पा रहा था, तो वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को अगली वीडियो में जब मैं लाइव आता रहूँगा तो वो रिकवर करते रहूँगा। लेकिन फाइनली मैं आप लोगों को एक पॉइंट में समझाना चाहूँगा कि मैं क्यों लाइव नहीं आ पा रहा था, और टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को एग्जैक्टली टाइम पे क्यों कोई भी नोटिस आती तो वो मैं नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। एक्चुअली में दोस्तों मैं घर से बाहर रहता हूँ और मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, किसी नेक्स्ट वीडियो में अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊंगा। लेकिन आज की जो मेन पॉइंट है, आज इस समय जो परीक्षाओं और यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को लेकर जो मैटर चल रहा है, इसके बारे में हम आप जान लेते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे छात्र का क्वेश्चन है कि जो यूनिवर्सिटी के छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ होंगी या नहीं होंगी, उनको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनकी जो फीस है वो माफ़ होगी या नहीं माफ़ होगी, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम इस वीडियो में आगे रिकवर करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें ये कैमरा बंद करना होगा दोस्तों, इसके लिए आपको स्क्रीन पे आना होगा। तो चलिए हम स्क्रीन पे बताते हैं, हम आपको वीडियो के लास्ट में मिलते हैं, ठीक है, ओके। दोस्तों फाइनली आ चुके हैं हम स्क्रीन की ओर, यहाँ पर मिलेंगे आप सभी परीक्षा और प्रमोट से जुड़े क्वेश्चनों के आंसर। तो पहले हेडिंग हम पहले देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है अंतिम वर्ष की परीक्षा सितंबर के पहले हफ्ते में। तो अंतिम वर्ष की पहले जो अंतिम वर्ष की जो परीक्षा पहले हफ्ते में होंगी सितंबर मंथ के, तो ये उन छात्रों के लिए यानी उन राज्य के यूनिवर्सिटी के लिए है जहाँ पर UGC गाइडलाइन का पूरा तरह से यानी कि पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय यदि छात्रों के विरोध आता है यानी कि UGC की तरफ से आता है, तो परीक्षाएं सितंबर के पहले हफ्ते में कराई जाएंगी, ये उनके लिए। चलिए हम और भी इसमें जो क्वेश्चन है उन पर फोकस डालते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल निर्णय आने के बाद ही क्लियर होगा, ओके। तो यहाँ पर आप सभी का एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि विश्वविद्यालय में फीस माफ़ होगी कि नहीं, दाखिले कैसे लिए जाएंगे, अगले सेमेस्टर की फीस किस मोड में जमा होगी, फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा कब शुरू होगी, किस मोड से स्कॉलरशिप कब तक आएगी, ऐसे कई सवाल छात्रों ने पूछे हैं हिंदुस्तान लाइव में हेल्पलाइन में, तो वही मैं आप लोगों को आंसर देने वाला हूं। यहां पर लिखा है कि BA प्रिपरेशन द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी, अगले सेमेस्टर की फीस किस माह में जमा करनी होगी। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा, रिजल्ट आने के बाद ही फीस जमा की जाएगी, यानी कि द्वितीय वर्ष के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को तो प्रमोट किया जा रहा हो, चाहे सेमेस्टर को हो चाहे वो ईयर वाले स्टूडेंट हो, और जो आप सभी की फीस जमा होगी वो रिजल्ट आने के बाद आप लोग फीस जमा करेंगे, ऐसा हेल्पलाइन में आंसर आया इसका। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्कॉलरशिप नहीं आई, फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी, माया छात्र, और इसका आंसर ये हो जाएगा कि छात्र स्कॉलरशिप के सभी फॉर्म भर दिए गए हैं, कोरोना महामारी के चलते देर हो रही है, इस संबंध में समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें, परीक्षा सितंबर में कराई जाएंगी। अगला प्रश्न है कि BA में भूगोल की ऑनलाइन कक्षाएं कब शुरू हो रही हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिजल्ट आने के बाद 4 अगस्त में ऑनलाइन कक्षाएँ शुरू होंगी। साथ साथ में लिखा अंतिम वर्ष की परीक्षा कब शुरू होंगी और पिछले सेमेस्टर की अंक तालिका कब मिलेगी, अभिनय कुमार सिंह। तो इसका आंसर आ रहा है अंतिम वर्ष की परीक्षा सितंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित हैं, परीक्षा 2 घंटे की जगह 3 घंटे की जगह 2 घंटे होंगी, पिछले सेमेस्टर की अंक तालिका बन चुकी है, विश्वविद्यालय आकर ले जा सकते हैं। अगला प्रश्न यह है कि BA की फीस कितनी होगी, 2013 में इंटर पास करने वाले को दाखिला मिलेगा या नहीं, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने और दाखिला लेने के बीच के अंतराल का एफिडेविट देना होगा, BA की फीस 7,250 रुपये वार्षिक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 7,250 रुपये वार्षिक फीस है BA की, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ पर बहुत सारी फीस कम भी हुई है और बढ़ी भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा फीस बताई जा रही है,
लेकिन फिलहाल आप अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है कि अगले सेमेस्टर में दाखिला कब मिलेगा और फीस किस मोड में जमा करनी होगी। ये क्वेश्चन छात्र के द्वारा पूछा गया है, तो इसका आंसर ये आता है, सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद फीस ऑनलाइन मोड में जमा होगी और फिर इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। साथ साथ में इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब अगला क्वेश्चन है कि पिछले सेमेस्टर में बैक पेपर है उसकी परीक्षा कब होगी। तो इसका आंसर आता है कि फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएँ पहले सप्ताह में 15 सितंबर के बीच होंगी, उसी दरमियान बैक पेपर की परीक्षा भी होंगी। यानी कि जब अंतिम वर्ष की परीक्षाएं की जाएंगी सितंबर में, उसी के बीच बैक पेपर वाली भी परीक्षाएं होंगी। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप और भी क्वेश्चन जो छूटे हैं वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट थे आप सभी के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिए। आई होप आप सभी को परीक्षा से जुड़े सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अभी आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप सभी ने वीडियो देख ली होगी। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन आंसर थे परीक्षा और प्रमोशन से जुड़े, ये सभी दैनिक जागरण के संवाददाता में यानी क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आए थे। मुझे लगा ये सारे क्वेश्चन और आंसर आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आप तक प्रोवाइड किए। और इसी तरह की परीक्षा से जुड़े और यूजीसी से संबंधित जो भी अपडेट आएगी हम आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे, इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अब हम कोशिश करेंगे कि दिन में एक ना एक वीडियो आप सभी के सामने फेस स्कैम वाली वीडियो करके आप तक सूचना प्रोवाइड करूँ। आपको अगर लगता है कि मैं फेस स्कैम आके आप सभी को सूचना प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट में जरूर यार अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।